2014 के बाद से कितने परसेंट युवाओं को रोजगार मिला है और कितने अभी भी बेरोजगार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नौकरी देने के तमाम वादे और दावे किए थे। 400 पार की राह जो है वो तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्या कांग्रेस वहां पर हाथ से हाथ मिला पाएगी? नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, लेकिन सभी के मैनिफेस्टो में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है युवाओं को नौकरी देना। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर 2014 के बाद से कितने परसेंट युवाओं को रोजगार मिला है और कितने अभी भी बेरोजगार हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ही लगातार बीजेपी ये कहती नजर आई है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। देखिए, भारत में चुनावी माहौल के बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नौकरी देने के तमाम वादे और दावे किए थे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने युवाओं में स्किल को बढ़ाने कई योजनाओं की शुरुआत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2024 में अगर हम रिपोर्ट देखें, ये रिपोर्ट है ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक भारत में फिलहाल यानी कि वर्तमान समय में लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को नौकरी पाने लायक बनाने वाली योजनाओं में से एक है स्किल इंडिया मिशन। इस मिशन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी, यानी कि 2014 में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी उसी के बाद इस योजना को लाया गया था। हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया था कि भारत में पिछले 5 सालों में स्किल इंडिया मिशन के तहत 15,192 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले 5 सालों में 91 लाख जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत 14 लाख आवंटित किए जा चुके हैं। तो क्या वाकई इस तरह की योजनाएं मददगार साबित हो पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, अगर रिपोर्ट की हम माने तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल सीखने वाले युवाओं को अन्य योजनाओं की तुलना में ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल पा रही है। इन तमाम सरकारी योजनाओं का हिस्सा रह चुके युवाओं में लगभग 76% उम्मीदवारों ने स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें पहले से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले हैं, यानी कि एक साइड इसका पॉजिटिव भी है, लेकिन बाकी लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? दरअसल अलग अलग रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत में ज्यादातर नौकरी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए है। पिछले कुछ सालों में ग्रेजुएटेड युवाओं को रोजगार पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें साल 2017 से 18 की हम बात करें तो भारत में ग्रेजुएट और डिग्री धारकों के लिए बेरोजगारी की प्रतिशत गिरती जा रही है। हालांकि रोजगार के अवसर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कम हुए हैं। शिक्षित युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, और विपक्ष ने इसे ही सबसे बड़ा अपना हथियार बनाया है, लेकिन ये हथियार क्या सही जगह निशाने पर रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, साल 2024 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की हिस्सेदारी भी बड़ी है। साल 2000 की मैं बात करूं तो देश में 54.2% शिक्षित युवा बेरोजगार थे, वहीं साल 2022 तक ये बढ़कर 65.7% हो गई है, यानी वर्तमान में लगभग 65.7% युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देश में माध्यमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले युवाओं की संख्या भी पिछले कुछ सालों में बढ़ती चली गई है। ये बढ़ती संख्या खासकर गरीब राज्यों और हाशिए पर रहने वाले समूहों में देखी जा रही है। वहीं उच्च शिक्षा में बढ़ते एनरोलमेंट के बावजूद गुणवत्ता बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, वेतन घट रहा है, लेकिन ये वादा किया गया था कि जैसे जैसे भारत
आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी की दर घटेगी और वेतन लोगों का बढ़ेगा, लेकिन उससे उलट हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 के बाद से ही रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के वेतन में गिरावट का ट्रेंड देखा गया। इतना ही नहीं, अनस्किल्ड लेबर फोर्स में भी कैजुअल श्रमिकों को साल 2022 से ही न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजगार की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर बेरोजगारी दर होती क्या है। देखिए, इस शब्द को आसान भाषा में अगर समझें तो बेरोजगारी दर का मतलब है देश की आबादी के उस हिस्से से जिन्होंने काम तो मांगा मगर उनके लिए काम था नहीं, महिला बनाम पुरुष। सर्वे बताते हैं कि साल 2023 में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 3% रही थी, जो कि 2022 में 3.3% थी और 2021 में 3.4% के आंकड़ों से कम थी, ज्यादा अंतर नहीं है। वही पुरुषों के बीच साल 2023 में बेरोजगारी दर 3.2% दर्ज की गई थी, जो कि साल 2022 में 3.7% और 2021 में 4.5% के आंकड़ों से काफी कम थी, लेकिन मार्जिन उतना ज्यादा कम नहीं था। अब बात यह है कि शहर बनाम गांव। देखिए, शहर और गांव में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो साल 2023 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 5.2% दर्ज की गई थी, जबकि एक साल पहले यानी कि 2022 में दर 5.7% थी और 2021 में 6.5% थी। यानी कि धीरे धीरे माइनर सा फर्क है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ा है, लेकिन वादे ऐसे नहीं किए गए थे। वादे किए गए थे कि पूरी तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं तो 2021 में बेरोजगारी दर 3.3% थी, जबकि यही साल 2022 में 2.8% और साल 2023 में घटकर महज 2.4% रह गई है। ये तो हुई बेरोजगारी की बात। सरकारी सर्वे एजेंसी अपनी रिपोर्ट के एक LFPR का जिक्र भी करती है। LFPR को अगर समझे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि श्रम बल भागीदारी दर। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि 2014 के बाद से बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सामने आई, कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ भी मिला, लेकिन जिस स्तर से लाभ मिलना चाहिए था वो आज भी अधूरा है। तो ये तो हो गई बेरोजगारी की बात, लेकिन BJP को एक और झटका लगने वाला है। बताया जा रहा है कि BJP में अंदर खाने कड़वाहट लगातार बढ़ रही है, तो क्या 400 पार का सपना BJP पूरा कर पाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी BJP 2024 लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कई राज्यों में मौजूदा सांसदों को टिकट न मिलने की वजह से नेताओं में असंतोष की स्थिति है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा BJP के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे पहले उनके बेटे और हिसार से BJP सांसद विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है। वीरेंद्र सिंह साल 2014 में BJP में शामिल होने से पहले 37 साल तक कांग्रेस में थे। 10 साल बाद फिर कांग्रेस में लौटने पर उनके लिए सिर्फ घर वापसी नहीं है बल्कि विचारधारा वापसी भी है, मगर इस बार टिकट न मिलना भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। BJP में हाल ही में शामिल हुए नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया है, पुराने नेताओं का टिकट काट दिया जा रहा है। BJP की ओर से अब तक जारी अपने 9 लिस्ट में 100 से ज्यादा मौजूदा सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। खास बात यह है कि पार्टी के 80% से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवार दल बदलू हैं, इस कारण कई राज्यों में नेता शीर्ष नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जाट और बिश्नोई समुदाय BJP से नाराज है। देखिए, BJP ने हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2019 की मैं बात कर रही हूं, लेकिन इस बार हरियाणा में BJP का जाट और बिश्नोई वोट बैंक कमजोर हो रहा है। राज्य में दो कद्दावर जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह और सांसद विजेंद्र सिंह BJP का साथ छोड़ चुके हैं। इससे पहले BJP की सहयोगी पार्टी JJP भी गठबंधन से अलग हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लेकर सहमति ना हो पाने की वजह से JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने अलग राह पर चलने का फैसला ले लिया। इसके अलावा 6 निर्दलीय विधायकों ने खुद को नजरअंदाज किए जाने और BJP में शामिल होने के बाद निर्दलीय विधायकों यानी कि रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से टिकट मिलने पर नाराजगी जताई। उधर हरियाणा का ताकतवर बिश्नोई परिवार भी BJP से खुश नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में पूर्व CM भजन लाल के बेटे और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनके समर्थक हिसार में टिकट बंटवारे से निराश है।
इसके अलावा गुजरात में भी ऐसा हो रहा है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर कब्जा किया था गुजरात में, मगर इस बार पार्टी के भीतर ही असंतोष है। कारण है, पार्टी अब तक राज्य में 14 मौजूदा सांसदों के टिकट काट चुकी है। गुजरात की साबरकांठा सीट पर बीजेपी ने भिकाजी दुधाजी ठाकुर को टिकट दिया, लेकिन अचानक उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरैया की पत्नी शोभना बरैया को टिकट दिया, लेकिन पार्टी के इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कट्टर हिंदू भाजपा नेता की जगह कांग्रेसी नेता के परिवार के सदस्यों को टिकट दे दिया गया। भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने बरेली पहुंच पार्टी अध्यक्ष प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का घेराव कर लिया और जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि या तो मेयर उमेश गौतम से इस्तीफा लिया जाए या संतोष गंगवार को टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर कुछ भी एक्शन नहीं होगा तो विरोधी पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजस्थान में भी दुविधा ऐसी ही है, जहां 2019 में 25 में से 24 सीटें भाजपा ने जीती थी, आज टेंशन भरपूर हो रही है। कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अभी तक तो आपको नजर आ रहा था कि सभी जो नेता हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी से कोई दामन नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी से भी बहुत लोग मन खट्टा कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक के शिवमोगा की हम बात करें तो यहां से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन 400 पार क्या वाकई एनडीए को मिल पाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, एक तो वादे और दावे, और दूसरा कि खुद में ही नेता नाराज हैं, अंतर्कलह चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, इसके अलावा राजस्थान में हमने देखा है, गुजरात में हमने देखा, कर्नाटक में हमने देखा है, हरियाणा में हमने देखा, तमाम खुलकर सामने आ रही है गुस्सा, खुलकर लोग सामने से बोल रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि ग्राउंड जीरो पर आप जाएंगे तो ग्राउंड जीरो पर भी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बीजेपी का नेता जा रहा है, सांसद और विधायक हो, लोग नाराज हैं। इतनी राह आसान नहीं है 400 पार की। अब सवाल ये है कि 400 पार की राह जो है वो तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्या कांग्रेस वहां पर हाथ से हाथ मिला पाएगी, ये महत्वपूर्ण है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।